मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेक यादव। टुडे डिस्कस अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम प्रीवियस लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बाय फिजन, बाय वेडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय रिजर्वेशन एंड बाय स्पोरेशन ये पढ़ लिया था। नेक्स्ट पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है बेटा कि कोई न्यू प्लांट ग्रो करता है प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, है ना। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ही कोई प्लांट ग्रो करे उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और इन पार्ट्स को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं प्लांट के, देख देता हूं। प्लांट ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। इन वेजिटेटिव पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। क्या कहेंगे इनको? प्रोपाग्यूल्स कहेंगे, ठीक है। क्या होते हैं एग्जांपल देख लीजिएगा। एग्जांपल ऐसे आपका रूट है, लीफ है, ठीक है, स्टेम है, ये सब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है, ठीक है। जैसे बल्ब है ना। तो कुछ एग्जाम्पल बताया था आपको, जैसे बुलबिल। बुलबिल से कौन ग्रो करता है? अगेर। कौन ग्रो करता है? अगेर, ठीक है। बुलबिल से कौन ग्रो करता है? अगेर। ऐसे ही बल्ब, बल्ब से कौन ग्रो करता है? ये वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है, और इनका वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होता है उसको हम कहते हैं बल्ब, या फिर गार्लिक के वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स को भी हम क्या कहते हैं? बल्ब। शकर, शकर किसका होता है? मिंट का, ठीक है। दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ही ट्यूबर, ट्यूबर आई भी कहते हैं इसको, किसका होता है? पोटैटो का। ऐसे ही ऑफसेट, ऑफसेट किसका है? हाइकिंथ का। वाटर हाइकिंथ के नाम से जानते होंगे आप, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल। जैसे एक और आपका राइजोम किसका है? जिंजर का। किसका है? जिंजर का, ठीक है। तो ये जो है आपके, ये वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं। किसके हैं? ये आपने देखा बुलबिल, अगेर, बल्ब, ओनियन, सकर, मिंट, ट्यूबर, पोटैटो, ऑफसेट, हाइकिन और राइजोम, जिंजर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि प्लांट जो है किसी वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करता है। वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं? जैसे आपकी लीफ है, बल्ब है, सकर्स है, इनको हम वेजिटेटिव पार्ट या वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल हमने आपको दे दिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या है बेटा? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल में क्या क्या है देखो। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये बेटा थ्री टाइप्स हो सकता है। कैसे? जैसे हमने कटिंग,
नंबर वन कटिंग, नंबर टू ग्राफ्टिंग एंड नंबर थ्री लेयरिंग। ठीक है, अब कटिंग क्या होता है, किसी प्लांट को कट कर दिया, किसी प्लांट को कट कर दिया और जो उससे कटिंग मिली उसको आपने कहीं प्लांट कर दिया और उससे न्यू प्लांट ग्रो कर जाए उसको हम कहते हैं कटिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका रोज। ठीक है, और कट ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, एक प्लांट की कट करके और दूसरे अनदर प्लांट का जो अच्छे गुण वाला प्लांट है उसको लेके हम ग्राफ्टिंग बैग से जोड़ते हैं। तो हमने एक प्लांट को कट किया, दो टाइप जैसे ये कट कर दिया हमने, एक प्लांट की कटिंग हो गई, इसको हम बोलते हैं सीमन। ठीक है, दूसरे प्लांट की कटिंग ये हो गई, नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक, और ग्राफ्टिंग बैग चढ़ा के इसको हम क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इसको बाइंड कर देते हैं ग्राफ्टिंग बैग लगाने के बाद, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इससे क्या करेंगे, हम न्यू प्लांट को ग्रो कराएंगे किसके द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा। एक प्लांट का हमने रूट वाला पार्ट दिया, एक प्लांट का हमने स्टेम वाला पार्ट दिया, दोनों को हमने क्या किया, जॉइंट किया ग्राफ्टिंग बैग के द्वारा, उसको बाइंड कर दिया और एक न्यू प्लांट ग्रो कराया अपने कैरेक्टर जो हम कैरेक्टर चाहते हैं उसके अनुसार। लेयरिंग, व्हाट इज लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग का एग्जांपल देख लीजिए, ग्राफ्टिंग का एग्जांपल है आपका एप्पल, मैंगो, इन सब में ग्राफ्टिंग होती है, रोज। ठीक है, गुआवा। लेयरिंग में क्या करते हैं हम, किस कोई प्लांट को, कोई प्लांट इतना बेंड होता है कि जब तक वो सॉइल को टच कर जाए, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है ना, ये इसकी ब्रांचेज है, तो ये ब्रांचेज बेंड हुई, ये बेंड होकर क्या करेगी, ये सॉइल को टच किया इसने, सॉइल को टच करने के बाद ये दोबारा से एक न्यू प्लांट ग्रो यहाँ पे कर रहा है, न्यू प्लांट ग्रो हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लेयरिंग। एग्जांपल है जैस्मिन, एग्जांपल है जैस्मिन कह सकते हैं, जैस्मिन एग्जांपल क्या है, जैस्मिन, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। ठीक है, ये आपका सेक्शन प्रोडक्शन खत्म हुआ। और इसमें एक इस बच्चे ने पूछा था हमसे, एंसेस्टेशन पीछे वाले पार्ट में था, अमीबा में होता है बेटा एंसेस्टेशन, बता देता हूँ, स्किप हो गया था ये पार्ट, एंसेस्टेशन। एंसेस्टेशन में क्या होता है कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन में, ये अमीबा है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा, अपने ऊपर थ्री लेयर को डेवलप कर लेगा। ये क्या करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है अपने ऊपर थ्री लेयर को डेवलप करेगा और एक सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, सिस्ट का फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंसेस्टेशन। सिस्ट का फॉर्मेशन करने के बाद जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से डिवाइड हो, न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा और बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन करेगा और जब फेवरेबल कंडीशन में, जब इसको फेवरेबल कंडीशन में रिटर्न करेगा ये अमीबा, तब क्या हुआ, जब ये अमीबा फेवरेबल कंडीशन में रिटर्न करेगा तब ये क्या होगा, ये सिस्ट बस्ट हो जाएगी और ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और एक न्यू अमीबी में ग्रो कर जाएंगे, इसको हम बोलते हैं एंसेस्टेशन। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, अनफेवरेबल कंडीशन में
अमीबा क्या करेगा, थ्री लेयर्स इसका फॉर्मेशन करेगा। इस प्रोसेस के फॉर्मेशन की प्रोसेस बोलते हैं एंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं? एंसिस्टेशन। ठीक है, रिटर्न जब फेवरेबल कंडीशन में रिटर्न करेगा फिर ये क्या करेगा, बस्ट करेगा। बस्ट करने के बाद ये स्पोर से कई सारे अमीबा को ग्रो करेगा। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, यानी कि अमीबा मल्टीपल फिजन कर सकता है। ये भी बच्चे ने पूछा था किसी दिन कि सर मल्टीपल फिजन अमीबा करता है कि नहीं करता। कर सकता है कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा बेटा सिस्ट का फॉर्मेशन करता है और उसका न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होता है, रिपीट करता है डिवीजन को, और उसके बाद स्पोर का फॉर्मेशन होता है। दोबारा से जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न करेगा तब क्या हुआ, ये बस्ट करेगा सिस्ट को और स्पोर बाहर आएंगे और कई सारे अमीबा का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते क्या है, इन्वॉल्व टू पेरेंट। कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? टू। इन्वॉल्व टू पेरेंट, ठीक है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल, अपोजिट सेक्स वाले। सेकंड करेक्टर क्या है इसका, गैमिट फॉर्मेशन होगा और गैमिट का फ्यूजन होगा। तो गैमिट फॉर्मेशन होगा इसमें, ये पढ़ा चुके हैं आपको पहले हम, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या सिंगमी, फर्टिलाइजेशन या सिंगमी। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। ये आपने पढ़ गया सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या मेन करेक्टर है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस इज द मेन करेक्टर ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। थ्री स्टेप में हम पढ़ेंगे इसको। नंबर वन होगा प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, नंबर टू फर्टिलाइजेशन, और नंबर थ्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, थ्री स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही, कल हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइम के प्री फर्टिलाइजर। थैंक यू।